तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हमारे पास में है इन्फ्रिक्स कंपनी का स्मार्ट 7 फोन। यहाँ पे एयरटेल का सिम पड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे कोई भी 4G टावर नहीं आ रहे हैं, एक दो नेटवर्क आपको शो कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लो नेटवर्क की प्रॉब्लम इस फोन में है, और इसी फोन के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वही फोन हमारे पास दोबारा से आया है और वही प्रॉब्लम है नेटवर्क की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसमें बताएंगे कि लो नेटवर्क देख सकते हैं कि कभी एक आ रहा है नेटवर्क, कभी इमरजेंसी ही लग जाता है सीधा। देख सकते हैं आप इमरजेंसी कॉल और एक नेटवर्क फिर से आ गया, तो इस तरीके की इस फोन में प्रॉब्लम है दोस्तों। उस वीडियो में हमने ऑलरेडी इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फोन में हमने बताया था, यहाँ पे एक कुछ जम्पर लगा के आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे इस वाले फोन में क्या है कि ऑलरेडी सील्ड यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ हीट वगैरह भी दिया हुआ है, जो भी किया हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। देखिए ये वाला जो पत्ता है, ये वाली जो नेटवर्क एंटीना है, ये वाले नेटवर्क एंटीना सिर्फ 2G 3G नेटवर्क के लिए वर्क करता है, लेकिन 4G के लिए आप बात करें तो 4G के लिए यहाँ से ही आपको एक जम्पर लगाना पड़ेगा, और यहाँ से जो नेटवर्क बनता था वो वाला 4G के लिए वर्क करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई देगा जो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकला हुआ है, तो ये पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया हुआ था, और फोन फिर से गिर गया तो फिर से हमारे पास आया, तो फिर से इसका सॉल्यूशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये वाला एक पॉइंट मिसिंग था, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस वाली आईसी से आपको यहाँ से एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे हमने स्क्रैच किया हुआ था और ये स्क्रैच आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से एक जम्पर लेना है आपको, तो हम एक जम्पर लेते हैं, और जम्पर लगाने से पहले हमको एक इस तरीके की फोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि टूटा हुआ हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है। फोल्डर के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये परत होती है, जो कि कॉपर की परत होती है, ये पूरी परत कॉपर की है, तो इसमें से हमको आधा कॉपर का इतना हिस्सा ले लेना है। तो हम इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे जो कांच वगैरह लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, और फिर इतनी ही हमको कटिंग करके इसको यूज में लेना है। इसके बाद आपके नेटवर्क जो है 4G की आएंगे और फुल नेटवर्क आएंगे। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है लो नेटवर्क का। तो देखिए यहाँ से हम इसको आधा कट कर लेते हैं, और इतना ही हम यूज में लेंगे, बाकी इसको हम रख देंगे, तो ये नेक्स्ट मोबाइल में किसी में हमारे वर्क में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कांच वगैरह लगा हुआ है इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इस कॉपर की प्लेट को इस तरीके से हमने निकाल दिया है। आपको करना क्या है कि इसी प्लेट को आपको थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देना है, ताकि इसके लेवल का हो जाए, और आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ अपनी बैटरी पे इस तरीके से चिपका देना है। इसको आपको इसी बैटरी पे चिपका देना है, और चिपकाने के बाद आपको थोड़ा सा टेप का यूज करना है, तो हम टेप का यूज कर लेते हैं। इस तरीके का कोई भी आपके पास टेप हो वो उसका आप यूज कर लीजिए, अगर ना हो तो आप जिस तरीके से भी इसको चिपकाना चाहें उस तरीके से आपको चिपका देना है, कोई भी ज़्यादा वैसा इशू नहीं है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया है, इसके बाद यहाँ भी चिपका देते हैं, तो इस तरीके से आपको इसको चिपका देना है। जैसे ही आप इसको चिपका देंगे तो हमको करना क्या है कि एक लेना है जम्पर वायर, तो ये हमने जम्पर ले लिया है, देख सकते हैं ये हमने जम्पर ले लिया है, और इस जम्पर को हमको कहाँ लगाना है वो आपको ध्यान से देखना है, जो हम ऑलरेडी जहाँ पे हम बता चुके थे। तो ये जम्पर हम यहाँ पे, ये जो इस आईसी से निकल के इस वाली जगह से ये वाली लाइन जा रही है, इस लाइन पे हमने बीच में स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद यहीं पर एक जम्पर ये वाला लगाना है, तो चलिए हम लगा देते हैं। तो ये
ये जम्पर देख सकते हैं आपके, हमने इस तरीके से कुछ उसी वाली लाइन में लगा दिया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जम्पर जो है किसी और में ग्राउंड में अटैच ना हो। अगर ग्राउंड में किसी जगह और अटैच हो रहा हो तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और इस वाले जम्पर को कुछ नहीं करना है, कहीं भी इसी वाली प्लेट पे कहीं भी आप चिपका दीजिए। तो हम यहाँ पे चिपका देते हैं, समझ सकते हैं। आपका नेटवर्क जो है बिल्कुल फुल आएगा, बिल्कुल एक भी कम नहीं दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। ये वाला जम्पर हमने यहाँ से लिया और यहाँ से लेने के बाद इस प्लेट पे लगा दिया और नेटवर्क देखिए बिल्कुल फुल, एयरटेल यहाँ लिखा हुआ है, फुल नेटवर्क आ रहा है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आपकी लो नेटवर्क की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इस वाली एक के कॉपर की प्लेट से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप किसी भी मोबाइल के ख़राब कॉम्बो में से निकाल के लगा सकते हैं। तो ये कॉम्बो ख़राब था हमारा, उसमें से हमने निकाल दिया और निकालने के बाद आधा इसको यूज किया है, तो हम नेक्स्ट मोबाइल आधा दूसरे मोबाइल में यूज कर लेंगे। देख सकते हैं कि नेटवर्क जो है फुल ही आ रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नेटवर्क लो एक भी परसेंट हो रहा हो, देख सकते हैं आप फुल नेटवर्क आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारी चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बगल में लगी घंटी भी दबा देना, ताकि आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो, इसी तरह टॉपिक हम लेके आते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।